आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी पैटर्न का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स से हमारी दो नंबर्स की उत्पत्ति होती है। नंबर पहला है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। अंग्रेजी में कहते हैं हम जिन्हें रेशनल नंबर। दूसरा नंबर है हमारा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब हम पहले बात कर लेते हैं अपने पहले नंबर की, परिमेय संख्याएं होती क्या है। किताबें हमारी कहती हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q की शेप में लिख सकते हैं या p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं वे हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन हम इसे ऐसे भी सबसे अच्छा वैल्यू है इसे याद करने का कि वे संख्याएं जिनका मान अर्थात वैल्यू, मान अर्थात वैल्यू निश्चित होते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। P होता है हमारा अंश, Q होता है हमारा हर। ऐसे इसी प्रकार हम अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा दे सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कह सकते हैं। और उन्हें उनका मान भी जो वैल्यू है वो अनिश्चित होती है, वो मान अनिश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में 1/2, 3/4, √4, क्योंकि √4 जो है वो 2 का वर्ग होता है। √4 जो है वो क्या है, 2 का वर्गमूल। ठीक है, अब ऐसे ही इसी में हम लिख सकते हैं √16, √25, √36, ये देख सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके मान निश्चित नहीं होते अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल में सबसे पहला नंबर है हमारा पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका मान 22/7 या कह सकते हैं 3.14 जो कि निश्चित नहीं है, एक अनुमानित, एक आधारित वैल्यू है जिसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। क्योंकि जिन संख्याओं का मान निश्चित होता है वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं, अर्थात जिन संख्याओं का मान निश्चित नहीं होता वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि √3, √7, √5, √13, √17, ये वे संख्याएं हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता, ये वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब जैसे कि वे मान जो कि परफेक्ट होते हैं, जो पूर्ण वर्ग होते हैं संख्याएं, उनका मान तो हम तुरंत निकाल लेते हैं। अब बात करें हम अपरिमेय संख्याओं की, कुछ इन संख्याओं के बारे में चर्चा कर लें। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मान याद ही नहीं होता, √3 का मान होता है 1.7321, √2 का मान होता है 1.414। अब ये मान याद नहीं रहते हैं तो हम इन मानों को कैसे निकालें, तो हमारे पास अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं उनका मान निकालने के लिए एक हमारे पास सूत्र होता है x±y। ये किसके अंदर होता है, √ के अंदर x प्लस माइनस
वाई इक्वल होता है अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन टू मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स। ये क्यों है? इस सूत्र से हम किसी भी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती उन संख्याओं का मान निकाल सकते हैं इस सूत्र के आधार पे। जैसे हम बात करें अंडर रूट थ्री की, अब अंडर रूट थ्री को हमें दो भागों में विभाजित करना है, एक भाग एक्स होगा दूसरा भाग वाई होगा, लेकिन एक्स वाला भाग दी हुई संख्या के कोई एक ऐसी नजदीक संख्या होनी चाहिए जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अब थ्री के पास में अगर हम देखें तो थ्री के पास में हमारा फोर आता है, उससे पहले फिर फाइव आता है, सिक्स आता है, सेवन आता है, एट आता है, नाइन आता है। फोर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, फाइव नहीं है, सिक्स नहीं है, सेवन नहीं है, एट नहीं है, नाइन एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो नजदीक फोर पड़ रहा है कि नाइन पड़ रहा है? फोर पड़ रहा है ना। तो हमारे पास क्या है ऑप्शन कि हमारे पास संख्या कौन सी बढ़ रही है? चार। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अंडर रूट में चार, हमें लाना कितना बनाना है तीन, तो चार में से हम कितना घटाएंगे एक, तो क्या बनेगा हमारा तीन। ठीक है, अभी हमें पता चल गया ये वैल्यू एक्स है, ये वैल्यू वाई है। अगर हम यहाँ पे माइनस का साइन ले रहे हैं तो हम फॉर्मूले में माइनस का साइन लेंगे, अगर हम यहाँ प्लस का साइन ले रहे हैं तो फॉर्मूले में प्लस का साइन। मेरा कहने का मतलब यह है कोई सी भी एक ऐसी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसका मान हम कैसे ज्ञात करें? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसके आधार पे हम किसी भी अपूर्ण जो संख्या होती है, जो पूर्ण वर्ग नहीं होती, उसका मान निकाल सकते हैं। उसे हमें दो भागों में विभाजित करना होता है, एक एक्स और एक वाई, उसे जोड़कर बनाओ या घटाकर बनाओ। अगर आप उस संख्या को जोड़कर एक्स वाई विभाजित करते हैं तो आप यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे, अगर आप उसे घटा करके बना देते हैं तो यहाँ पर माइनस का साइन। कहने का मतलब यह है, अब जैसे हमने इसे बनाया तो हमने चार में से जब एक को घटाया तभी तो हमारा अंडर रूट तीन बचेगा, बन गई बात केवल। तो ये क्या है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन टू मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है, फोर माइनस वाई की जगह पे क्या हमारा वन टू मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स में क्या रखना है हमें फोर। अंडर रूट फोर की वैल्यू टू होती है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका वर्ग होता है टू का, वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो दो के पेयर बनाते हैं। जैसे अंडर रूट का मतलब होता है किसी संख्या की घात एक बट्टे दो, अंडर रूट वर्गमूल का मतलब होता है किसी संख्या की घात एक बट्टे दो, किसी संख्या की पावर एक बट्टे दो आदि होना। तो फोर का मतलब आ गया टू, माइनस वन अपॉन टू मल्टीप्लाई टू, इसके नीचे वन मान लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा हमारे पास फोर, फोर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, फोर टू या एट माइनस वन, हमारे पास क्या बचेगा सेवन अपॉन फोर, फोर का डिवाइड हम सेवन में देंगे तो फोर बन जाए फोर पॉइंट, यहाँ कितना बचेगा थ्री, जीरो बढ़ जाएगा, फोर सेवन या ट्वेंटी है, टू बचेगा फोर फाइव ट्वेंटी। अगर आप इस वैल्यू को भी वहां रखते हो तो आप पूर्णतः उसका मान निकाल सकते हो। कहने का मतलब यह है कि कोई सी भी एक ऐसी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग ना हो उस संख्या का मान भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब रोकिए, कैसे बनिया रोक पड़े आप चल रही हुई रोक देते काटेंगे।